आगे बढ़ते हैं और अब ले लेते हैं एक बार पोजिशनल कॉस्ट जो है हमारे एक्सपर्ट्स की, वो किस तरीके की पोजिशनल कॉस्ट भी देखेंगे साक्षी, लेकिन थोड़ा सा ना डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं कि वायदा कारोबार में क्या हो रहा है इस वक्त। आइए देखते हैं निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी एग्जैक्टली ये किस डायरेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स को देखें, ऑलमोस्ट आप देखिए आपकी स्क्रीन पर जून फ्यूचर्स आज करीब 15 लाख, यानी सीरीज के पहले दिन ह्यूज बैंग। याद रखिए पहला दिन का शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले के दो दिन भी इसी सीरीज को बिलोंग करते थे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है। ऑलमोस्ट मार्केट स्टे हाई पर और स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ, दैट मीन्स आप इस बात में बिलीव कर सकते हैं कि आज भी इंस्टीट्यूशनल बैंक काफी स्ट्रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं जरा कॉल ऑप्शंस की देखते हैं एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स वो क्या कर रहे हैं इस वक्त। अगर आप देखें कॉल्स को देखें, 3-4 स्ट्राइक्स लेंगे आपके स्क्रीन पर। आप देखें पहले 8,000 की कॉल, ये इन द मनी कॉल है इस पर याद रखिएगा, और करीब इसमें 88,000, यानी परसों जिस बंदे ने इस कॉल को बेचा था वो आज बैकफुट पे है, वो निकल रहा है बाहर, क्लियर मैंडेट दे रहा है कि नहीं 8100 के आप ऊपर निकल रहे हो, मैं बैकफुट पे आ रहा हूँ। अब आइए आप 8100 की कॉल पे, ये इस वक्त एट द मनी स्लाइटली इन द मनी कॉल भी है, यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग यानी मंदड़िया जो था जिसे कॉल बेच के बैठा था कि भाई 8100 तो कहीं नहीं जाएंगे आप, वो बैकफुट पे आ रहा है। अब देखिए कि 8200 पे क्या मैंडेट बन रहा है, 8200 की कॉल आपकी स्क्रीन पर और यहाँ पे 3.5 लाख, यानी कन्विक्शन ये कह रहा है कि 8200 तो पॉसिबल है। एंड सेम इज द केस विद 8300, 8300 की कॉल को देखिए आप एक बार इस वक्त, वहाँ पे 5 लाख। ये एक चीज़ देखिए आपने, 8200 से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है कहाँ पे, 8300 पे। दैट मीन्स बाजार के जहन में ये आंकड़ा भी है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट के SBI कुछ अच्छा कर दे। जरा पुट पे आइए एग्जैक्टली, अगर आप देखिए मैं एक पुट देखूंगा 8,000 और 81, ये 8400 छोड़ दीजिए, हालांकि 8400 में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंक है। फिर आप आइए पुट्स में, 8100 की पुट, यहाँ पे सब्सटेंशियल राइटिंग है, 5.25 लाख, 3100 रुपये प्रीमियम कम हुआ, 20% प्रीमियम गया। दैट मीन्स आपका जो बेस, याद रखिएगा कल एज पर द पुट राइटिंग स्टैटिस्टिक्स 7980 के आसपास था, वो शिफ्ट होके अब कहाँ पर आ गया है, 8020-8050, क्योंकि आपके 8100 की पुट भी काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। एक बार 8000 की पुट दिखाइए, इसका आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब 15 लाख है। जरा 8000 की पुट दिखाइए एक बार एग्जैक्टली, वहां पे आउटस्टैंडिंग वाई क्या है, 8000 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई अब करीब करीब 36 लाख पहुंच गया है, यानी ये एक बहुत क्लियर कट बेस बन गया है 8000, 8030, 8040। अब आइए स्टॉक फ्यूचर्स पे, आज अगर आप देखिए जहां सब्सटेंशियल बाइंग है, इसमें आप देखिए BPCL आज ये स्टॉक स्ट्राइक करता हुआ आपके स्क्रीन पर आप देखें, लगभग 8.25 लाख शेयर, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग, और आई थिंक इस लेवल को जिसको इसने सिक्योर किया है दैट इंक्लूड्स 4-digit numbers, 1000 का लेवल क्रॉस कर चुका है, ऑल टाइम हाई, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है। उसके बाद देखिए आप एक रिलायंस इंफ्रा, ये भी स्ट्रॉन्ग हैंड में करीब 7.5 लाख शेयर जुड़े हैं यहाँ पर। जरा एक बार रिलायंस इंफ्रा के चार्ट पे आइए जरा प्लीज एग्जैक्टली, करीब 552 के स्तर पर 6% ऊपर, और करीब करीब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में आज 93,000 शेयर जुड़े हैं, स्टॉक डे हाई पे कारोबार कर रहा है। उसके बाद ADAG समूह का एक और काउंटर स्ट्राइक कर रहा है, वो है रिलायंस कैपिटल, आपकी स्क्रीन पर आप देखिए करीब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में 2.25 करोड़ शेयर खड़े हैं, आज भी काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, करीब 7 लाख शेयर जुड़े हैं साक्षी। और उसके बाद 2-3 स्टॉक्स और है जिनको अपने रडार पे रखिएगा, बायोकॉन एट ऑल टाइम हाई, और बाइंग देखिए आज ओपन इंटरेस्ट कितना बड़ा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 2 लाख, आउटस्टैंडिंग वाई 26 लाख, यानी सिग्निफिकेंट बाइंग है यहाँ पर। नई सीरीज में भी ये लोग देख के घबरा नहीं रहे कि भाई ऑल टाइम हाई, नो, कैपिटलाइज करना है इस स्टॉक पे। और एक IDFC विद इन द NBFC स्पेस, इसको देखिए यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, 6 लाख से जुड़े हैं यहाँ पर, माफ कीजिए 4 लाख, और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज का स्टॉक जिस पे सबको नजर रखनी है। लेकिन बाइंग देखिए, स्टॉक ऑलमोस्ट डे आई की डायरेक्टरी के आसपास है, लेकिन 12 लाख शेयर इंट्राडे में खड़े हुए यहाँ पे साक्षी। एब्सोल्युटली, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पूरे अपडेट के लिए।